Connectivity. Connectivity is another remarkable property of natural systems. In natural systems, the organisms, the individuals, the entities are connected with each other, and they are performing different types of jobs in connection with each other. अगर किसी ऑर्गेनिज्म को उस कनेक्शन से या उसकी कनेक्टिविटी जो है वो अपने बाकी काउंटर पार्ट से ख़त्म कर दी जाए तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस सिस्टम के अंदर इन आइसोलेशन सर्वाइव नहीं कर सकता, या जो टास्क है, जो बिग मेजर टास्क असाइन हुआ है, वो टास्क पूरी तरह फुलफिल नहीं हो सकता. सो दैट्स वाई ऑर्गेनिज़म्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन डिफरेंट वेज. आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह और कौन कौन से टाइप्स के कनेक्शन हो सकते हैं. जो सिस्टम्स कनेक्टिविटी की एबिलिटी रखते हैं दे आर कॉल्ड कनेक्शनिस्ट सिस्टम्स. तो कनेक्शनिस्ट सिस्टम्स इम्प्लाई अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन वेयर बाय इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड थ्रू आउट द नोड्स एंड थ्रू द कनेक्शंस. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क, सो नेटवर्क्स में जो कनेक्शंस है वो नोड्स के आपस में जो कनेक्शंस है वो जो जिन चीज़ों को कनेक्ट किया जा रहा है दे आर कॉल्ड नोड्स, और जो कनेक्शंस बेसिकली उनको कनेक्ट कर रहे हैं दे आर कॉल्ड एजेस. ये जो कनेक्टिविटी का टर्म है, दिस वाज एक्चुअली दिस वर्ड और टर्मिनोलॉजी अपीयर्ड इन 1980s टू रिप्रेजेंट नेटवर्क मॉडल्स, क्योंकि नेटवर्क मॉडल जो है they are representing interaction in between different types of objects or different types of genes or proteins, jo bhi hum jis scenario mein baat kar rahe hain, to wo different types ke un objects ya agents ya genes proteins ke beech mein interactions ko zahir karne ke liye jo network banaya jata hai, to in networks module ko represent karne ke liye ye terminology introduce ki gayi. But it can refer to any approach which is based upon interconnected elements. So जो भी approach interconnected elements को represent करे, हम हर उस approach को कह सकते हैं कि वो connectionist system है और connectivity की ability रखता है. For example, in this illustration, this is a protein-protein interaction network. Every node in this network is representing a protein. उसको हम network के terminology में node कहेंगे, और जो लिंकेजेस है, जो एसोसिएशंस है उनके बीच में दे आर कॉल्ड कनेक्शंस, या नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में उनको इंटरनोड्स कहा जाता है. तो ये जो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है, बेसिकली इनका काम ये होता है कि अगर कोई भी सिस्टम हम रिप्रेजेंट करें तो उस सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ जो इंटिटीज़ है वो आपस में कोऑर्डिनेटली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उस इंटरेक्शन का कोई खास बिहेवियर भी होगा. फॉर एग्जांपल, इस नेटवर्क के अंदर किसी प्रोटीन का एक दूसरे के ऊपर कोई एक्टिवेशन इफेक्ट होगा कि एक प्रोटीन दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, या कोई प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को इनहिबिट कर रहा है, उसके एक्शन को इनहिबिट कर रहा है, या कोई और टाइप का भी रिलेशनशिप हो सकता है. सो इन रिलेशनशिप्स को कनेक्टिविटी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये जो सिस्टम है, ये जो नेटवर्क है, इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्शनिस्ट सिस्टम. The peculiarity of a connectionist system is due to several factors. बहुत सारे factors है जो इस system को unique और remarkable बना रहे हैं. But जो इसकी beauty है वो ये है कि जो एक ही network का जिस तरह हमने example लिया, वो उसके जो मुख्तलिफ modules है, या जो domains है, या जो groups है, या जो clusters है, वो मुख्तलिफ pathways represent करे. अगर especially जब हम अगर किसी interaction network की बात कर रहे हैं, और हम ये कहेंगे कि उस नेटवर्क के अंदर कोई भी दो नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इफ़ देर इज़ अ लिंक इन बिटवीन देम. अगर उनके बीच में कोई लिंक नहीं होगा तो वो फिर एक दूसरे के साथ, चाहे वो क्लोज एक दूसरे के है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, या एक दूसरे से फार मोस्ट एग्जिस्ट कर रहे, बट देयर विल बी नो कनेक्शन इन बिटवीन देम, और उसको एक वो कनेक्टिविटी में नहीं होंगे, और वो कनेक्शन इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे. कनेक्शन की एक और भी प्रॉपर्टी ये होगी कि जो कनेक्शंस है वो बजाते खुद भी उनमें एबिलिटी होगी कि दे आर एक्टिव एलिमेंट्स, और एक्टिव एलिमेंट्स अगर वो है तो इट मींस के सिस्टम की एक्टिवेशन हो सकती है. तो एक्टिवेशन जो है वो नेटवर्क के अंदर या कनेक्शन सिस्टम के अंदर एक और
रिमार्केबल प्रॉपर्टी है और जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जा रही है। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम देखें कि जो कनेक्टिविटी है, एक नेचुरल सिस्टम से एग्जांपल हम देखें, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में जो है न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सो जो यूनिट्स है इस नर्वस सिस्टम के, हम कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स है दे आर द यूनिट्स ऑफ दिस कनेक्शन इस सिस्टम, और जो सिनेप्सिस है जो उन मुख्तलिफ न्यूरॉन्स को आपस में लिंक कर रहे हैं, दे आर बेसिकली द कनेक्शन इन बिटवीन दैम। अब एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन को मैसेज पास करेगा, तो एक न्यूरॉन एक्टिवेट होगा, वो मैसेज आगे पास करेगा थ्रू सिनेप्सिस पास करेगा। सो दिस कनेक्शन अगर एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा तो फिर मैसेज एक जगह से या प्रोसेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। सो दैट्स वाई कनेक्शन जो है वो भी बजाते खुद एक्टिव एलिमेंट उसका होना जरूरी है। क्लोजली रिलेटेड अ वेरी कॉमन एस्पेक्ट ऑफ द कनेक्शनिस्ट मॉडल इज एक्टिवेशन एज वी डिस्कस्ड, और जो एक्टिवेशन है वो फिर उसमें स्प्रेडिंग भी होगी कि एक जगह से एक्टिवेशन सिग्नल आया तो वो बाकी नेटवर्क में वो सिग्नल स्प्रेड होगा, ताकि क्योंकि सिग्नल ने पूरे सिस्टम में स्प्रेड होना है और सिस्टम ने स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना है। सो दैट्स वाई स्प्रेडिंग, जो एक्टिवेशन की स्प्रेडिंग है वो भी ज़रूरी है, और जो नेटवर्क सिस्टम है उसमें ये एबिलिटी होती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है और जिसकी बहुत सारे उनके यूजेजेस है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो भी कनेक्शन सिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर हम नेचुरल सिस्टम से हट के अगर आर्टिफिशियल सिस्टम से एग्जांपल ले, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कनेक्शन सिस्टम, जिसमें मुख्तलिफ जो नोड्स है या जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, वो एक जगह से इनपुट लेते हैं और इनपुट को स्प्रेड करते हैं और उनको कलेक्टिवली प्रोसेस करके रिस्पेक्टिवली आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है, और आमतौर पर वो जो आउटपुट होता है वो स्प्रेडिंग की वजह से और एक्टिवेशन की वजह से एफिशिएंट आउटपुट होता है।